अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दिस इज़ आकिब हुसैन फ्रॉम आकिब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप लेकर आया हूँ जो कि रिसेंटली डेडलाइन उसका नज़दीक है, यानी उसका लास्ट डेट 1 दिसंबर 2019 है। इससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको स्टार्ट में बता दूं ताकि अगर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते तो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट माई चैनल। तो चलिए चलते हैं स्कॉलरशिप की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं एडलीड स्कॉलरशिप इंटरनेशनल इन ऑस्ट्रेलिया, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप इन ऑस्ट्रेलिया ऑफ 2019 एंड 20। ये जो एडलीड है, ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी है जिसमें ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडलीड, जिसने मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया है और आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बैचलर्स के लिए नहीं है, सिर्फ मास्टर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं जिसका बैचलर कंप्लीट हो। तो आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ एडलीड डिपार्टमेंट, जिसका आप किसी में भी कर सकते हैं। कोर्स लेवल मास्टर डिग्री है। आपको फुल ट्यूशन फी और मंथली अलाउंस भी 3 साल तक दिया जाएगा। एक्सेस मोड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ अवार्ड नोन नॉट नोन। Nationality international student, the person can take in Australia. Application deadline December 1, 2019. Eligibility criteria आप देख सकते हैं। Applicant must be international student who acceptable commerce or to doctor by research degree at the University of Adelaide. सिटीज़न परमिट रेजिडेंस ऑस्ट्रेलिया सिटीज़न, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया की रेजिडेंस है या न्यूजीलैंड की, वो अप्लाई नहीं कर सकती। इट्स ओनली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इस वेबसाइट पे आप आके सारा कुछ खुद पढ़ सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ आपने अप्लाई किस तरह के। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आप देख सकते हैं, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स भी देख सकते हैं। ये देख, दिस बर्सरी विल प्रोवाइड 100% ट्यूशन फी वेवर विच कवर द कॉस्ट ऑफ ट्यूशन फी एज हायर डिग्री बाय रिसर्च स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड अप टू 2 ईयर प्लस लिविंग अलाउंस, यानी लिविंग अलाउंस जो है वो आपको 2 साल तक दिया जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर 28,000 समथिंग है। तो आपने अप्लाई किस तरह करनी है मैं आपको बता, हाउ टू अप्लाई पे आना है और आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। तो जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं। आपने पहले चेक योर एलिजिबिलिटी चेक करनी है और जो रिव्यू स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक पॉइंट द सुपरवाइजर, यानी कि हम जिस तरह प्रोफेसर को ढूंढते हैं आपने वो, फिर आप उसके बाद आपने अप्लाई करना है। इधर 2 किस्म के आपको मिल जाएंगे, एक अप्लाई नाउ इंटरनेशनल, एक अप्लाई नाउ डोमेस्टिक। तो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हम पहले अप्लाई नाउ इंटरनेशनल पे क्लिक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ हायर डिग्री बाय रिसर्च इंटरनेशनल एडमिशन एंड स्कॉलरशिप एप्लीकेशन द यूनिवर्सिटी ऑफ एडलीड। हम इसके इंटरफेस पे आ चुके हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपने सिर्फ ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देके साइन इन करना है, अदरवाइज आप इधर रजिस्टर एज अ न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करके
आपने साइन अप करना है, इसके बाद आपने फॉर्म फिल करनी है। फॉर्म फिलिंग में अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बैक बॉक्स में आके बता सकते हैं। तो इधर आपको मैं कुछ बिफोर यू बिगिन, मतलब स्टार्ट करने से पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्या, द नंबर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी, आप सारा कुछ हो तो पढ़ के, पासपोर्ट, मैरिटाइल डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, पासपोर्ट है, वीज़ा ऑफ DIBT स्टेटमेंट, ईमेल कंफर्मेशन ऑफ वीज़ा ग्रांट, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एज लाइक आइल्स, टॉफल, टॉफल इंटरनेट बेस होता है, एक पेपर बेस होता है, आपने कोई जो भी किया हुआ है इसमें से, आप कैम्ब्रिज इंग्लिश एडवांस, CAE एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, इंग्लिश ट्रांसलेशन एकेडमिक, तो जो भी है आप इधर आके पढ़ सकते हैं। फिर आपने जाके साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको फॉर्म मिलेंगे जो कि एक फॉर्म यूनिवर्सिटी ऑफ एडलीट का है और एक फॉर्म स्कॉलरशिप का है। अपने दोनों किस्म के फॉर्म फिल करने हैं क्योंकि फ़िलहाल मैं रजिस्टर नहीं हूं, लेकिन मैं ये सारा निज़ाम खुद दे के आपको बता रहा हूं और मैं खुद पहले इसका कर चुका हूं, एक अप्लाई मैं कर चुका हूं जो कि मेरा दोस्त है, इसलिए मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूं। तो आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। दो किस्म के फॉर्म होंगे, एक फॉर्म आपने यूनिवर्सिटी का फिल करना है जो कि जिसमें रिसर्च प्लान वगैरह सारी कुछ चीज़ें आपने फिल करके, उसके बाद आपको उसके अंदर ही एक लिंक मिल जाएगा। अगर आप फिर भी नहीं फाइंड आउट कर सकते तो फिर मुझसे रब्ता कर सकते हैं इनबॉक्स में, मैं आपको फिर लिंक दे दूंगा या मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो दो किस्म के फॉर्म आपने फिल करने हैं, एक स्कॉलरशिप का और एक यूनिवर्सिटी ऑफ एडलीट का। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड को सेलेक्ट करके आपने आगे फॉर्म सबमिट करना है। और अगर आपके पास आइलेट्स और टॉफल नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम अप्लाई कर सकते हैं जापान, चाइना, बग़ैर आइलेट्स और टॉफल के कर सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी USA, UK, इसमें जब हम स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं तो टॉफल और आइलेट्स मस्ट है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट दिस काइंड ऑफ वीडियोस। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए। तो जी हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।